इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हर वो डायग्राम जिसकी कंडीशन को जिस तरीके से हो, ये एक सिंपल प्लेन सरफेस है, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। दो आपको सिंपल प्लेन सरफेस नज़र आ रहे हैं, ये भी और एक ये भी, लेकिन ये क्या हॉरिजेंटल है ना, हॉरिजेंटल एक्सिस है ये, और ये वाला जो प्लेन है इस वाले हॉरिजेंटल एक्सिस पे क्या बना रहे, एक एंगल बना रहा है, वो एंगल क्या है, थीटा। तो इस तरीके की डायग्राम को हम नॉर्मली क्या कंसीडर करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। बात समझ में आ रही है? तो इंक्लाइंड प्लेन इज अ सिंपल प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल। तो जब बॉडी इस पे मूव करती है, लेट सपोज कोई मास है, ठीक है ना, ऑफ मास m, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन पे भी मूव कर सकता है और ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन पे भी मूव कर सकती है। तो इन दोनों सूरतों में ये कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, इसके लिए हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। आगे बात समझ में? तो ये हमारे पास डायग्राम है और ये एरो जो है वो शो कर रहा है कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और ये एरो शो कर रहा है कि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, सही है। तो इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं कि फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे मूव कर रही है तो आप क्या निकाल करके बताइए, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकाल करके बताइए, सही है। तो हमारे पास दो कंडीशन, एक मरतबा बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर, और एक मरतबा बॉडी कहाँ आएगी, नीचे, सही है। तो अब यहाँ पे फॉर डाउनवर्ड मोशन के लिए या फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बॉडी है हमारा हेयर, बॉडी ऑफ मास एम जो है इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बॉडी कहाँ मूव कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सही है। यहाँ डायग्राम को देखिएगा, अभी ये बॉडी ऑफ मास एम जो है, अगर मैं यहाँ पे बेटा इस तरीके से एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, सही है। अब ये जो बॉडी नज़र आ रही है इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस नज़र आ रही है, सही है। इसका मतलब ये जो मास एम है वो दोनों एक्सिस पर मौजूद है साइमल्टेनियसली, एक्स पर भी मौजूद है और वाई पर भी मौजूद है ना। अगर ये इस पोजीशन पर है सपोज, ठीक है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक डिस्टेंस आ रहा जो क्या शो कर रहा है कि बॉडी एक्स पर भी मौजूद है, और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराया तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये शो कर रहा है कि बॉडी वाई पर भी मौजूद है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये पता लग रहा है कि हमारी बॉडी एक्स पर भी मूव कर रही है और वाई भी मूव कर रही है इन बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब इस तरीके की कंडीशन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बॉडी का जो मास है या जो बॉडी का जो वेट है उसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में डिवाइड करवा देते हैं, क्योंकि इसमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी मौजूद है और वर्टिकल कंपोनेंट भी मौजूद है। ये इसका कौन सा एक्सिस है, एक्स, और ये इसका कौन सा एक्सिस है, वाई। तो दोनों कंपोनेंट मौजूद है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पे जो बॉडी का मास है इसका कोई ना कोई वेट होगा, होगा ना, इसका कोई ना कोई बॉडी का वेट होगा। तो ये वेट दोनों कंपोनेंट में है, एक्स में भी और वाई में भी। तो हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से इस पॉइंट से बॉडी के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, सही है।
ये क्या है, हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है जो इस बॉडी के इस वेट से क्या आ रहा है, बिल्कुल सीधा। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का, ऐसे ही है ना। अब इसको कोई इस तरीके से ड्रॉ ना करे स्ट्रेट, परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे एंगल कितना बना, 90। अगर आप यूँ कर दोगे तो 90 नहीं बनेगा, बात समझ में आ रही है ये। फिर एक मैंने वाई कंपोनेंट ड्रॉ किया और इस दोनों कंपोनेंट को आपस में क्या कर दिया, सही है, यूँ और एक यूँ। यहाँ पे एक एंगल क्या बन रहा है, थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है वेट का, ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, इसको अगर मैं यूँ करके आगे बढ़ा दूँ और यहाँ से भी इसको यूँ आगे बढ़ा दूँ, तो ये वाले लाइन और ये वाले लाइन आपस में कैसे लग रही है, पैरेलल लग रही है। ये यूँ करके आगे बढ़ेगा ना, और ये इधर से भी क्या करेगा, तो ये पैरेलल सेगमेंट कहलाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, पैरेलल, मतलब ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो ये क्या कहलाएगा, डब्ल्यू पैरेलल, क्या कहलाएगा, डब्ल्यू पैरेलल, यानी कि डब्ल्यू 11, सही है ना। ये असल में नीचे जगह नहीं है ना, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ना, तो बाहर ये इंटरसेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ये होगा नहीं, डायग्राम को थोड़ा सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं, सही है। तो जब आप ड्रॉ करेंगे आप ख्याल रखेंगे क्या रहेगा, पैरेलल। ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये पैरेलल कंपोनेंट है क्यों, ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, ना इसकी ज़रूरत है, और ना इसकी ज़रूरत है, बस ये डायग्राम है, बात समझ में आ रही है। तो एक वेट जो हमारे पास क्या है, वो पैरेलल कंपोनेंट है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट क्या है, W परपेंडिकुलर, सही है, W परपेंडिकुलर जो है वो W cos थीटा के बराबर होता है, और वेट पैरेलल जो है वो किसके बराबर होता है, W sin थीटा के। ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लें पहले, एक ये वाला एंगल है, एक एंगल आप यहां भी ड्रॉ कर दीजिएगा थीटा, क्या हुआ बेटा, गर्मी है आज का भी। ये बना लिया आप लोगों ने, इसको अगर पैरेलल थोड़ा सा और बनाना है तो इसको और थोड़ा सा लंबा कर देंगे, सही है। जिस पॉइंट से हमने इसके वेट को डिवाइड करवाया है अलोंग दी एस कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, वहाँ पर एक एंगल है थीटा, ठीक है ना, और एक इसका एक्चुअल एंगल बन रहा है थीटा बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड प्लेन सरफेस। यहाँ पे जो एंगल है थीटा, साइड अपोजिट टू थीटा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड क्या कहलाएगी, ये बातें गौर से समझिएगा, ठीक है।
जो बातें समझने की हैं उसको गौर समझना है। साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड, और परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। तो ये वाला साइड क्या कहलाएगा? बेस। सही है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के दरम्यान का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? यही होता है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। सम पीपल हैव, है ना। तो ये साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा? परपेंडिकुलर ओवर। तो इसीलिए इसका फंक्शन क्या बन रहा है? साइन थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या लगाया? कॉस थीटा। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। ये क्या है? परपेंडी बेस और हाइपोटेनियस के दरम्यान का फंक्शन जो क्या कहलाता है? हाँ, ये क्या हमारे पास? बेस। और ये वाला क्या है? हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस के दरम्यान का फंक्शन क्या कहलाता है? हम लिखते नहीं हो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बोलते हैं नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे फंक्शन क्या लगा हुआ है? कॉस थीटा। और यहाँ क्या लगा हुआ है? ये पैरेलल है तो ये क्या हो गया? डब्ल्यू पैरेलल। ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या हो गया? डब्ल्यू परपेंडिकुलर। तो डब्ल्यू परपेंडिकुलर किसके बराबर आ रहा है? डब्ल्यू कॉस थीटा। और ये किसके बराबर आ रहा है? डब्ल्यू। ये बातें क्लियर हो गई या कोई मसला किसी को? ये थीटा है, साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये होता है ना, डेफिनेशन यही कहती है ना कि साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 के अपोजिट वाला क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। और जो रिमेनिंग साइड होती है हम उसको क्या बोलते हैं? बेस। सही है भाई। तो एक हमारे पास फंक्शन क्या आ रहा है? डब्ल्यू कॉस थीटा का। और एक क्या आ रहा है? डब्ल्यू साइन थीटा। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट है और हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो कौन से कंपोनेंट में मूव कर रही है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट में बॉडी मूव नहीं कर रही। बॉडी कौन से कंपोनेंट में मूव कर रही है? इस वाले कंपोनेंट पे। और ये कंपोनेंट किसको बता रहा है? पैरेलल कंपोनेंट। तो इसका मतलब हमारी बॉडी को जब हम उसमें एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो हम उसका सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट सपोज करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हम सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ किस पे अफेक्ट कर रहा है? पैरेलल कंपोनेंट पे। ठीक है, तो हम पैरेलल कंपोनेंट को लेकर के सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई? नाउ द बॉडी ऑफ मास एम move along the kya parallel component therefore perpendicular component jo hai क्या हो जाएगा? विल बी नेग्लेक्टेड। बॉडी पैरेलल कंपोनेंट में मूव कर रही है तो उसको कंसीडर किया जाएगा, और जो पैरेलल कंपोनेंट है उसको क्या करवा देंगे? नेग्लेक्ट करवा देंगे। बॉडी इस कंपोनेंट में मूव कर रही है, इसके पैरेलल कौन सा ये? तो सिर्फ ये कंपोनेंट कंसीडर किया जाएगा, इसको हम क्या करवा देंगे? नेग्लेक्ट। सही है। अभी ये करवा दे रहा हूँ, फिर दोबारा से एक डायग्राम बना दूंगा। ठीक है, कौन बोल रहा था? आप कह रही हैं ये करवा दे तो फिर दोबारा से बना दूंगा। ठीक Now the body लिखा है ना, body of mass m moves along the parallel component only, ठीक है ना, therefore perpendicular component will be neglected।
सही है भाई। अब यहाँ पे हेयर नेट फोर्स तो नेट फोर्स क्या होता है, ग्रेटर फोर्स माइनस लेसर। इधर देख लीजिएगा, नेट फोर्स मालूम कर रहे हैं, ग्रेटर फोर्स माइनस। तो एक तो वेट ऑफ द बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी कहाँ आ रही नीचे, और इसको आने में मसला हो रहा होगा, वो मसला कौन पैदा करेगा, है ना। तो दो फोर्स हो गया, एक वेट ऑफ द बॉडी और दूसरा क्या है, सही है। तो जो हमारे पास नेट फोर्स है वो क्या है, एफ इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स क्या है, वेट ऑफ द बॉडी, और कौन सा कंपोनेंट है वेट का, पैरेलल, सही है। और माइनस यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। चूँकि वेट ज़्यादा है, बॉडी नीचे आ रही है, तो फ्रिक्शन कम ऐड कर रहा है उस पर, जब भी बॉडी नीचे आ रही है। अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होता तो बॉडी नीचे नहीं आती, तो ज़्यादा वाले में से हमने कम वाले को क्या करवा दिया, माइनस। अब उसके बाद क्या होगा, हम जानते हैं सिंस क्या है, किसके बराबर होता है, एम ए के, एफ किसके बराबर हो गया है, और डब्ल्यू क्या है, किसके बराबर है, हाँ। वेट जो है हमारे पास पैरेलल, वो किसके बराबर है, डब्ल्यू साइन थीटा। हम इसको यही बोल सकते हैं एम जी, कह सकते हैं ये, या नहीं कह सकते, क्योंकि वेट का फॉर्मूला एम जी होता है। तो हमने क्या दिया, डब्ल्यू क्या है, किसके बराबर है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एम जी साइन थीटा, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ ये काम हो गया आप लोगों का, ऊपर मिटा सकते हैं। अब आगे देखिएगा, इस एफ की जगह क्या रहेगा, सही है। इस डब्ल्यू पैरल की जगह क्या रहेगा, एम जी। उसके बाद क्या बचा हुआ है, सही है। फिर इसको यूं भी लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस, और इस पूरे के नीचे क्या रहेगा, ये वाला जो फार्मूला आया है, ये फार्मूला एक्सेलरेशन के लिए कहलाता है इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहलाता है ये, इन द फ्रिक्शन की मौजूदगी में एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सवाल जब आता है ना इसका, तो उसमें मेंशन क्या हुआ होता है कि ड्राइव द फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर प्रेजेंस बोलेगा तो यहाँ तक काम करेंगे, और अगर इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन बोलेगा तो हम आगे काम करेंगे। उसमें क्या करेंगे, इफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, अगर हम फ्रिक्शन को क्या करवा दें, नेग्लेक्ट, तो देन फिर क्या होगा, ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस, फ्रिक्शन को क्या करवा देंगे, और नीचे क्या रहेगा, उसके बाद ए एम जी, नीचे क्या बचेगा, एम से एम, तो ए के लिए फॉर्मूला क्या बना, ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। ये फार्मूला किसका है, एक्सेलरेशन का, कब, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन।
ये फार्मूला किसका है? एक्सेलरेशन का। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। हैं? कहाँ पे? यहाँ पे। ये बेटा कैंसिल नहीं हो सकता इस तरीके से, ठीक है? ये टोटल अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमको कैंसिल करवा सकते थे, इसमें से ये चीज़ माइनस हो रही थी, हम कैंसिल नहीं करवा सकते। तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पर हमारा बॉडी ऑफ मास m जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स ऐड कर रहा होगा वो किसके बराबर होगा? वो फोर्स बराबर होगा एक तो वेट ऑफ द बॉडी है w पैरेलल, ठीक है, और उसके साथ साथ ये किसके साथ जाएगा? फ्रिक्शन के साथ जाएगा ऊपर। जब हम रैम के ऊपर चढ़ते हैं ना चढ़ाई पर तो हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, इसका मतलब फ्रिक्शन हमारे वेट के साथ क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। और जब हम नीचे उतरते हैं तो वही फ्रिक्शन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। कभी अगर आप रस्ते से जा रहे हैं और एक चढ़ाई आ रहे हैं तो आपको लगता है ना कि आपको थकान ज़्यादा हो रही है, सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, वैसे भी आप लोग दौड़ते भागते तो है नहीं हैं, कहाँ दौड़ती हैं? गाय पीछे लगे दौड़ती हैं, हर साल लगती है गाय पीछे। कब? हाँ गाय पीछे लग गई, गाय पीछे लग गई थी आपके, लंबा दौड़ाई थी दुकान के अंदर जाइए। सही है भाई। फिर उसके बाद क्या होगा सीन्स? एफ किसके बराबर है और डब्ल्यू पैरेलल किसके बराबर है? एम जी। तो इसके लिए क्या रहेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? और प्लस ये क्या होगा? सही है यानी सही है। अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉडी का एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। क्या होता है? तो इसका मतलब जब बॉडी ऊपर चढ़ रही होती है तो वहाँ पे रिटार्डेशन यानी कि डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? फिर एक्सेलरेशन हेयर ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी क्या होगा? डिक्रीजेस। तो देयरफोर इस वाले इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे? माइनस का ये जो माइनस साइन लगा हुआ है किसके साथ लगा हुआ है? एक्सेलरेशन के साथ, जो कि क्या शो कर रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज होने की वजह अगर वहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह क्या प्रोड्यूस हो रहा है? रिटार्डेशन यानी कि डिसेलरेशन। उसके बाद ये इक्वेशन वैसे ही लिख देंगे, वो क्या है? एम जी साइन थीटा। उसके बाद क्या है? सही है। उसके बाद माइनस का ए इज इक्वल टू यहाँ पे एम क्या हो रहा है? उधर ए क्या होगा? एम जी। और पूरे के नीचे क्या रहेगा? सही है। ये फार्मूला कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर आपसे बोलेगा कि ड्राइव द फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन व्हेन द बॉडी मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन तो यहाँ तक ड्राइव करेंगे, और अगर बोलेगा इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन तो आगे काम कंटिन्यू होगा, वो क्या होगा? ऊपर में डाल सकते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। When friction is neglected, अगर हम friction को क्या करवा देंगे? Neglect। तो therefore माइनस का ए इज इक्वल टू ये क्या होगा? एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करवा रहे तो क्या आएगा? जीरो। जी क्या बचेगा? एम। तो माइनस का ए इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? एम जी
साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा एम से एम क्या हो जाएगा, तो माइनस का ए इज इक्वल टू क्या बचा जी साइन थीटा, और इसको यूं भी ले सकते हैं और ए इज इक्वल टू माइनस उधर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस का जी साइन थीटा। तो दोनों सूरतों में दोनों कंडीशन में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, एक फार्मूला आ रहा है ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा और एक क्या आ रहा है माइनस का जी साइन थीटा। बात समझ में आ गई सबको यहाँ तक, यहाँ तक कॉपी कर लें पहले। एक्सेलरेशन और इंक्लाइंड प्लेन का जो फार्मूला आया है वो क्या है, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर डाउनवर्ड मोशन डाइक्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज ए इक्वल टू जी साइन थीटा, ऐसे ही है ना। अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि जो बॉडी ऑफ मास एम है इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर, इसका मास अभी क्या है एम, अगर इसको मैं 5m कर दूँ कितना कर दूँ, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, 4 times होगा, 5 times होगा, 1/5 times होगा, 1/6 times होगा, 1/2 times होगा, क्या होगा। इफ द मासेज आर चेंज, मास पहले क्या था m, मैंने उसको क्या कर दिया 5m, मतलब 5 times मल्टीपल। पहले किसी बॉडी का वेट 20 kg था, 20 × 5 इज इक्वल टू 100 kg। तो अगर इस बॉडी पे लेट अस सपोज कि एक बच्चा स्लाइड कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर और उसी इंक्लाइंड प्लेन पे बच्चे के अब्बू स्लाइड कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपको बताना है कि एक्सेलरेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। कौन बताएगा, मास ही नहीं है, मास ही तो घर पे होती है ना, सफाई करने आती है। क्या फर्क पड़ेगा या पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब आप लोग ऐसा समझ रहे हैं, सर इस तरफ आ रहे हैं। एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन द इक्वेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज इनडिपेंडेंट ऑफ मास, ये मास से क्या है आज़ाद है। तो इस पर चाहे चूंटी बैठ के स्लाइड करे चाहे हाथी, एक्सेलरेशन के ऊपर कोई फ़र्क आ रही बात समझ में। तो ये सवाल पूछा जाता है, इफ द मासेज आर डबल देन व्हाट शुड बी द चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सप्लेन, रीज़न आता है। तो ये डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, एज वी नो दैट व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन इज ए इक्वल टू जी साइन थीटा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे लाइन चेंज करके, अबव इक्वेशन शोज दैट द एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन इज इनडिपेंडेंट ऑफ मास, चूंकि ये मास से आज़ाद है, सो देयरफॉर आइदर द मासेज आर डबल 3 times 4 times 5 times देयर शुड बी नो चेंज इन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिकॉज इट इज इनडिपेंडेंट ऑफ मास। बात समझ में आएगी सबको ये, अगर मैं ये रीज़न दूंगा तो लिख लीजिएगा, बस सही है।